दोस्तों, क्या आप सिंगल हो या आपका ब्रेकअप हो चुका है? और आपको कपल को देखकर बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि काश मैं भी रिलेशनशिप में होता। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सिंगल हो तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो और बहुत ज़्यादा लकी हो। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि सिंगल होने के क्या फ़ायदे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं लव इन लाइफ। दोस्तों, सिंगल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपको कोई चीज़ मिलने की खुशी भी नहीं होती और किसी के खोने का गम भी नहीं होता है, जिससे आपको बाद में इमोशनल फील करने की ज़रूरत नहीं होती है। भाई, सिंगल होने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फ़ायदा ये आपकी टाइम की बचत होती है। आपको जीव के साथ कहीं घूमना नहीं जाने होता है, अपने दोस्तों को आप पूरा टाइम दे सकते हो। जीव की टेंशन भी आपको नहीं होती कि यार उसे वहाँ ले जाना है, मिलने जाना है, ये करना है, वो करना है, सारी टेंशन उसे दूर। आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकते हो और आप उसी टाइम में अपने शौक भी पूरे कर सकते हो। जैसे अगर आपको डांस अच्छा लगता है, आप उसमें डांस कर सीख सकते हो, या और भी बहुत सारे काम जैसे सिंगिंग, ऐसे आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। भाई, चौथा, अगर आपके पास टाइम की बचत है तो आप अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हो और आगे चल के कुछ बन सकते हो। आप अपनी स्टडी में भी फोकस कर सकते हो। आपको अगर स्टडी का बहुत अच्छा शौक है तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हो। भाई, अभी तक का सबसे बड़ा फायदा जो आपको पता है, यू कैन सेव मनी। आप अपने समय के साथ साथ पैसे को भी बचा सकते हो। भाई, पैसा, आप सोचते हो कि यार प्यार करने में कैसा पैसा? भाई, प्यार करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बात सही है। बट यार, गर्लफ्रेंड को कहीं लेके जा रहे हो, वहाँ जाने का पैसा, कॉफ़ी का पैसा, उसे उसका यार बर्थडे आया, उसे गिफ्ट दे रहे हो, उसका पैसा, ये सारे पैसे आपको बच जाएंगे और आप उसे किसी अच्छे काम में लगा सकते हो। भाई, वैसे ही आप लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, भाई आपकी क्या, हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट यार, आप एक प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा मोल लेना चाहते हो यार? जब आपकी जीएफ होगी ना, तो पक्का एक प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी कि यार उससे अब बात करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे दर्द ना हो, उसे कोई दुख ना दे, उसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर टाइम की खबर रहती है आपको। और फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम आपका हेडेक बन जाती हैं। भाई, इससे आपका बहुत अच्छा फायदा है कि आप सिंगल हो। भाई, इसके अलावा सिंगल होने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप अगर अपनी लाइफ में कभी भी पार्टी, शादी, कहीं भी जा रहे हो तो आपको ये डर नहीं है, यार मैं, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं किसी से फ्लर्ट नहीं कर सकता, मेरी कोई शिकायत कर देगा। आपको ये कोई भी डर नहीं है, आप जहाँ चाहो किसी से फ्लर्ट करो, बात करो, किसी कोई आपको नहीं रोकने वाला। भाई, आप किसी लड़की से बात करो, किसी पर लाइन मारो, कोई ये नहीं बोलने वाला कि यार मैं तेरी गर्लफ्रेंड से बोल दूंगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड देख रही है, आपके दिल में ये भी नहीं होगा। भाई, अगर आप सिंगल हो तो आपको गर्लफ्रेंड से बात करने की भी टेंशन नहीं, सुबह शाम मैसेज करने की भी टेंशन नहीं है। आप जब चाहो सो के उठो, जब चाहो सो जाओ, और आपको मूड देखने की भी उसकी टेंशन नहीं है कि आप कैसा मूड है उसका और मैं उसे क्या क्या मैसेज करूं, ये कोई भी आपको टेंशन नहीं है भाई, अब क्योंकि आप सिंगल हो। भाई, इसके साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो भाई आपकी इंजॉयमेंट वाली मैरिज होती है, जो परिवार के साथ होती है और आप उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हो, अच्छे से होती है। भाई, आपको किसी बात की टेंशन नहीं होती, सारा आपका परिवार देखता है। भाई, ये शादी में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती, किसी प्रकार की टेंशन भी नहीं होती। तो भाई, मेरा राय तो यही है ना, आप सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा लकी हो। तो भाई, अगर बात समझ में आ गई और आप सिंगल हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।